कई सितारे कब आसमान पर चमकते हैं और कब उसी आसमान से तोड़कर फेंक दिए जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। जैसे कि आप ही बताइए कि अब रानू मंडल कहां पर हैं और आखिर कैसी दिखती हैं? क्या वे फिर से भिखारन बन चुकी हैं या फिर मेकअप और पैसे ने उन्हें सुपर मॉडल बना दिया है? दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी को भी जमीन से उठाकर आफताब बना देता है। भले ही पहले किसी को इस बात का पता नहीं था, लेकिन अब सब जानते हैं मीडिया की ये काली सच्चाई। आज हम आपको ऐसे ही पांच सितारों की जिंदगी के बारे में बताने वाले हैं जो कब आए और कब कहां खो गए किसी को कुछ पता नहीं चला, और आज इनकी जिंदगी कैसे है ये देखकर आप चौंक जाओगे। नंबर पांच पर है काचा बादाम। दोस्तों, इनको तो आप जानते ही होंगे। काचा बादाम सॉन्ग के एकमात्र सिंगर भुवन भद्याकर, आज ये कहां है कोई नहीं जानता। बादाम बादाम है दादा का चाहा बादाम, आमा गाचे नाई को बुबु भजा बादाम, आमा गाचे पावे सुदु काचा बादाम। इस गाने पर अपना काचा बादाम दिखाकर बहुत सी लड़कियां स्टार बन गईं, मगर जिस दिए की रोशनी में इतनी खूबसूरत सितारे चमक गए, आखिर वो दिया कहां भबक कर बुझ गया। भुवन भाद्यकर जो कि काचा बादाम बेचकर यानी कि मूंगफली बेचकर अपना गुजारा चलाते थे और ये गाना गाते थे। उनके इस गाने को सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी मिलते ही भुवन फेमस हो गए, मगर भुवन के फेमस होने के साथ ही उनके तेवर भी बदल गए। जब भुवन का ये गाना फेमस हुआ तो वो तो अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनसे बड़ा स्टार अब इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। मगर दोस्तों, बॉलीवुड में लोग किसी की मदद कम करते हैं, अपना मतलब ज्यादा निकालते हैं। भुवन भाद्यकर का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। जैसे नींबू निचोड़कर छिलका फेंक दिया जाता है, भुवन के साथ भी यही कुछ हुआ। भुवन का सिर्फ यही एक गाना था जिसकी बदौलत वो फेमस हुए थे। इसके बाद उन्हें भी बॉलीवुड भूल गया, वे फिर से अपने पहले वाली जिंदगी में फेंक दिए गए। यानी कि अब भुवन वैसे ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे पहले गुजारा करते थे। नंबर फोर पर है सहदेव दिद्रोह। ये भी सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हुआ था। सिर्फ 10 साल की उम्र में गाया गाना जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार से सहदेव रातों रात वायरल हो गया। सहदेव की आवाज़ बादशाह को काफी अनोखी लगी, जिसके बाद बादशाह ने इसके साथ इसी का एक गाना शूट किया, जिसके बाद तो ये गाना फेमस हुआ ही। ये लड़का भी साथ में वायरल हो गया। सभी की जुबान पर बस यही गाना था, क्योंकि हर किसी का कोई न कोई बचपन का प्यार तो होता ही है। ये गाना इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छा गया। मगर फिर सहदेव का भी वही हाल हुआ जो भुवन भाद्यकर का हुआ। सहदेव भी अब नींबू की तरह निचुड़ चुका था और उसका भी इस बॉलीवुड में अब कोई काम नहीं था, इसीलिए उसको भी बॉलीवुड से निकाल दिया गया। अब आप ही बताइए कि सहदेव अब कहां नजर आता है। जाने मेरी जाने मन बेचारी की जाने मन बेवफा निकली और किस्मत के सितारे टूटकर बिखर गए और यही सहदेव सोशल मीडिया से गायब हो गया। नंबर तीन पर है अंजलि अरोड़ा। दोस्तों, ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया से एकदम से वायरल होता है उसका हमेशा ही ऐसा अंजाम होता है। अब अंजलि अरोड़ा को ही देख लीजिए, जिन्होंने अपने काचा बादाम दिखाकर वो सुर्खियां बटोरी कि आज भी इनके फैंस की संख्या बढ़ती ही जा रही है। काचा बादाम दिखाकर काचा बादाम सॉन्ग पर किया गया ये 16 सेकंड का डांस इतना ज्यादा वायरल हुआ कि इस वीडियो पर 31 मिलियन व्यू और 2 मिलियन लाइक्स आ गए, जिसके बाद इन्होंने और वीडियोस बनाए और काफी ज्यादा मेहनत की, जिसके बाद ये बस फेमस होती चले गईं और आज ये कई शोज और वीडियोस एल्बम में अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही हैं। नंबर दो पर है रानू मंडल। दोस्तों, रानू मंडल के तो कहने ही क्या है, उनके बारे में तो हर कोई जानता ही है। वे कहते हैं ना, किसी का वक्त बदलते देर नहीं लगती, मगर रानू मंडल का वक्त तो पलक झपकते ही बदल गया। पहले तो भिखारन से स्टार बनी, फिर बनी सुपरस्टार, अब वे सुपरस्टार कैसे बनी वो देखते हैं। रानू मंडल की ये वाली वीडियो वही वीडियो है जिसके वायरल होते ही रानू मंडल को पूरा भारत जानने लग गया था। कुछ भी नहीं मेरी कहानी है, मौजों की रवानी है।
इसके बाद रानू मंडल को हिमेश रेशमिया के साथ गाने का ऑफर मिला, मतलब कि अब वे स्टार बनने वाली थी। इस गाने के बाद रानू मंडल स्टार बन गई। रानू मंडल को उस समय गाने के कई ऑफर मिले। रानू मंडल कई लोगों से मिली जिस कारण से उनका रूप रंग ही बदल गया। रानू मंडल को कई रियलिटी शोज में भी बुलाया गया। जरा देखिए ये वीडियो जो कि एक रियलिटी शो की है। अब मैं आखिर में आपसे बोलूंगी कि थोड़ा सा हमें कुछ सुना, कुछ गा के सुनाइए। कुछ जैसे कि हिमेश जी के साथ थोड़ा गाया होगा। हाँ, हिमेश जी के साथ जो गाया होगा। ओह माय गॉड, आई फॉरगेट इट। तेरे क्या बोला तूने? आई फॉरगेट इट। रानू मंडल के सुपरस्टार बनने का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। इसके बाद रानू मंडल की कई वीडियोस वायरल हुई जिसमें वे एक सुपरस्टार की तरह ही बर्ताव करती नजर आईं। दर्शकों को रानू मंडल का ये रूप बहुत ही अनोखा लगा जिसमें वे अपने फैंस के साथ इस तरह से बर्ताव करती नजर आईं। कि वह एक सुपरस्टार हैं, मगर अफसोस कि ये रानू मंडल का सिर्फ एक वहम निकला। उनके इस बर्ताव ने रानू मंडल जैसी सुपरस्टार को बॉलीवुड से निकाल फेंका। आज देख लो वे किस हालत में अपने दिन गुजार रही हैं। बहुत से यूट्यूबर उनके पास अपनी वीडियोस बनाने के लिए जाते रहते हैं और वे उनके साथ कैसा व्यवहार करती हैं, इन वीडियोस को देखकर ही आपको समझ आ जाएगा। गजब बेइज्जती है। अरे इधर जाके बैठी ना। क्यों नहीं दिखाएंगे ना इसका थोपड़ा दिखाएंगे। तो दोस्तों रानू मंडल का ये वहम तो दूर हो गया कि वे एक सुपरस्टार हैं। नंबर एक पर है आयशा। दोस्तों ये कोई स्टार नहीं थी, बस एक शादी में गई हुई थी। बस वहीं पर इनके दोस्तों ने इनको अपने साथ डांस करने के लिए कहा। फिर क्या था, बारी बारी इनके सभी दोस्त बैठ गए, मगर तब तक आयशा का डांस का मूड बन चुका था। फिर ये अकेले ही नाचने लगी और इनकी उस टाइम किसी ने वीडियो बना ली। इसके बाद आयशा ने इसे अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी। फिर क्या था, ये देखते ही देखते वायरल हो गई। इनके ये डांस और भीगे भीगे समय का जादू चल गया और ये पाकिस्तानी लड़की भारतीय लड़कों के दिलों पर बिजली बनकर गिर गई। इनका ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ कि ये स्टार बन गई। फिर क्या था, जहां भारत में आयशा को इतनी पॉपुलैरिटी मिली, वहीं पाकिस्तान में आयशा को काफी हेट भी मिली। मगर अब तो आयशा फेमस हो चुकी थी, तो कोई अब क्या कर सकता था। आयशा को पाकिस्तान में ही एक रियलिटी शो में भी बुलाया गया जिसमें वह वही सूट पहन कर गई और आज आयशा सोशल मीडिया पर काफी फेमस है। तो दोस्तों नतीजा यही है कि सारी बात लोगों के पसंद और प्यार करने की है। अगर आपको आपके फैंस का प्यार मिलता है तो फिर आप फेमस हो जाएंगे, और अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी अकड़ से किसी पर अपना रौब झाड़ लेंगे तो फिर तो हाल रानू मंडल जैसा ही होने वाला है। दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या मैंने सही कहा या फिर गलत, जवाब कमेंट में जरूर लिखें और अपने फेवरेट स्टार के लिए एक लाइक जरूर करें।